शहर में लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए युवाओं ने हेलमेट पहनने पर जोर डालते हुए चालकों को फूल देकर जागरूक किया। दुर्ग शहर के पटेल चौक में बुधवार को युवाओं ने बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को फूल देकर हेलमेट पहनने की नसीहत दी और साथ ही निवेदन भी किया। बता दें 2023 में 1264 दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 465 मौतें बिना हेलमेट के वाहन चलाने के कारण हुई है। दुर्ग जिला प्रशासन के द्वारा भी बिना हेलमेट पहन वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, साथ ही जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। दुर्ग शहर के युवाओं ने बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों को अनोखी पहल करते हुए फूल देकर निवेदन किया और कहा कि वो हेलमेट पहने जिससे उनका और उनका परिवार सुरक्षित रह सके। इस दौरान वरुण जोशी, राजा यादव, मितेश पटेल, हबीब सहित अन्य लोग शामिल रहे। 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे का दिन है, तो हमने एक जागरूकता अभियान चलाया हेलमेट को लेकर। जो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहने थे उन्हें हमने आज फूल दिया है, क्योंकि जिला प्रशासन का सभी से निवेदन है कि वो आप हेलमेट पहनिए और जागरूक रहिए। लगातार शहर में, जिले में घटनाएं हो रही है बिना हेलमेट के गाड़ी वाहन चालकों से, तो हमने आज एक पहल की, जागरूकता अभियान चलाया है फूल देकर कि वो हेलमेट पहने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। देखिए, ये एक वैलेंटाइन डे पश्चिमी देशों का त्यौहार कह सकते हैं या प्रेम की दिन है, अपने प्रेम का प्रचार करने के लिए, लेकिन हम उस विषय पर नहीं आए हैं। हम यहाँ जागरूकता लेकर ले आए हैं ताकि लोग हेलमेट पहने और वो खुद सुरक्षित रहे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहे, क्योंकि इन दुर्घटनाओं से लगातार उस व्यक्ति की जनहानि नहीं होती, उसके परिवार की जनहानि होती है, तो इसी को लेकर हमने आज ये जागरूकता अभियान चलाया है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।